हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेबरोनी UK09 में। आज हम बनाने जा रहे हैं पाया करी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं पाया करी बनाना। जिसके लिए हमने लिए हैं 8 पाया, इनके हमने छोटे पीस करवा दिए थे। अभी इन्हें हम थोड़ा साफ करेंगे, जिसके लिए हमने गर्म पानी लिया है और से एक बार गर्म पानी में इस पर एक उबाल मरा देंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। पानी हमारा गर्म हो गया है, इसे अब हम छान देंगे और इसे ठंडे पानी से धुल के उसके बाद जो भी इस पर काला होगा उसे हम चाकू की सहायता से निकाल देंगे। जो भी काला काला पार्ट है इसका वो हम निकाल देंगे चाकू से, चाकू से खुरच देंगे इसे। इस तरह से हम हमारे पास जितने भी काले वाले पाए हैं उन्हें साफ कर देंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। इस पर लिया हमने सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद इस पर हल्के से पानी के छींटे मार देंगे, जिससे जिसकी स्मेल है वो नहीं आएगी और तेल साफ हो जाएगा। अब डालेंगे हम इसमें सारे खड़े मसाले, जिसमें हमने लिया लौंग, काली इलायची, तेज पत्ता, जावित्री, काली मिर्च और दालचीनी। अब इन्हें हम थोड़ी देर से भूनेंगे जब कड़कने की आवाज़ आएगी। इसके बाद डाल देंगे हम इसमें हरी मिर्च जो हमने पहले से स्लाइस काट के रखी थी, एक मिर्च के दो फाड़ कर रखे थे हमने। अब डाल देंगे इसमें चॉप प्याज। अब इन्हें भूनेंगे हम। इसे हमें हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे प्याज को, हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे इसे। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम नमक। अभी इसके बाद हम इसे थोड़ी देर और भूनेंगे। प्याज हमारा हल्का ब्राउन होने वाला है। अब इसमें डाल देंगे हम पाया जो हमने साफ करके रखे थे पहले से। अब प्याज के साथ हम पाया को भूनेंगे। प्याज के साथ इसे अच्छे से भूनेंगे हम 15 से 20 मिनट। अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे इसके साथ भूनेंगे हम थोड़ी देर और। इसे अच्छे से चलाएंगे, नहीं तो जो हमारा पेस्ट है वो नीचे लग जाएगा। इसे 4 से 5 मिनट भूनने के बाद डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर।
देगी मिर्च, इसे चला देंगे हम थोड़ी देर और भूनेंगे इसे। अच्छे से भूनना है इसे। फिर देख सकते कितने अच्छे से भुन गया ये। अब डालेंगे इसमें हम टमाटो प्यूरी, इसका हमने पहले से पेस्ट बना के रखा था फ्रेश टमाटर का, आप चाहे तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे हम इसमें मीट मसाला, अब डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, अभी सेम चला देंगे थोड़ी देर और। ये कितने अच्छे से भून गया हमारा, ये मसाले भी जो हमारे अच्छे से पक गए हैं। अच्छे से भून गया हमारा ये। अब डाल देंगे हम इसमें पानी, आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं, जिससे ये 3-4 सीटियों में पक जाएगा। अगर आप प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो इसमें जो पानी है वो थोड़ा कम डालना है, हम इसे पतीले में ही पकाएंगे, जिसे हम हल्की आंच में 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे और 2-3 घंटे में आराम से पक जाएगा। अब हम गैस की फ्लेम को लो करके इसे पकाने के लिए छोड़ देंगे, आराम से पकता रहेगा हल्की आंच में और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे, तो बीच बीच में इसे चेक भी करेंगे हम। मांस ने हल्दी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, अभी इसे हमें और पकाना है। डाल देंगे हम हरा धनिया, ये हमारा 75% पक कुक हो गया है, अभी इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे हल्की आंच में ही। अभी इसे हम चेक करते हैं, पाया हमारे अच्छे से पक गए हैं और इसके मांस ने हड्डी भी अच्छे से छोड़ दी है। जो हमारी ग्रेवी है वो भी बहुत अच्छे से बिल्कुल स्मूथ आ रखी है, देख सकते हैं आप। इसे आप चावल, पुलाव, रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।